सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम बॉम्बे जी, और आप? मैं सुजी डिसूजा, वेलकम टू सुगोवा। मैं चीफ मिनिस्टर मार्कस कुमारन जी की पर्सनल सेक्रेटरी। ओह, मिस्टर कुमारन कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है, और साथ में उन्होंने माफी भी मांगी है। कल रात किसी जरूरी काम से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। और कब लौटेंगे वो? वेनेसडे तक आ जाएंगे। तब तक आप सुगोवा के बीचेस और मौसम का मजा लीजिए। प्लीज कम। आइए। एक्सक्यूज मी सुजी, इफ यू डोंट माइंड, गाड़ी मैं चला सकता हूँ? ये खुशगवार मौसम और ये सुगोवा की सड़कें, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच। गोवा। वैसे आप लोगों का सफर कैसे रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नो मिस सुजी, हमें कोई तकलीफ नहीं और हमारा सफर बहुत ही अच्छी तरीके से कट गया। मिस सुजी, आपका ये सुगोवा मुझे बहुत पसंद आया, वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं। सुगोवा के नारियल पानी के बारे में सुना है कि बहुत ही अच्छा होता है, आपका क्या ख्याल है सर? आई डोंट माइंड। मेहमान है, ध्यान का नल्ला चौ दोग दी। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बट नो थैंक यू, लेडीज फर्स्ट। ये लीजिए। थैंक यू। यस सर, जस्ट अ मोमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। कुमारन साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है कुमारन साहब, आप हमें सुगोवा बुलाकर आप खुद दिल्ली बैठ गए जाके? इंस्पेक्टर भारत, आर यू ऑलराइट? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आई एम सो सॉरी भारत, एक तो तुम्हें सुगोवा बुलाकर मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली आना पड़ा, और सुगोवा पहुंचते ही तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दैट्स ऑलराइट कुमारन साहब, everything is under control, no problems. लेकिन कुमारन साहब, खतरे तो हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और इन चुनौतियों को हम पीठ नहीं दिखाया करते, इन्हें फेस करते, इनका सामना करते हैं, यही हमारी फितरत है। लेकिन भारत, अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू कुमारन साहब, बाय। आई एम सॉरी मिस्टर भारत, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं मिस्टर कुमारन को क्या मुंह दिखाती? रिलैक्स मिस सुजी, रिलैक्स। कार में हम तीनों थे, अगर कार में लगा बॉम्ब कुछ मिनट्स पहले फटता तो हम तीनों की मौत हो जाती। उस सूरत में आपके मिस्टर कुमारन को मुंह दिखाने की नौबत ही नहीं आती। माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और आप इतने रिलैक्स्ड हैं? आप तो सचमुच हिम्मत वाले हैं, आपके चेहरे पे तो जरा सा भी डर नहीं है। सुजी, ये इस किस्म के हादसे तो हमारे साथ होते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है हमारी ये। थैंक यू।
मौत से मुठभेड़ कोई नई बात नहीं है मिस सूजी, और फिर हमारी तो जान बची है, हमें तो जान बचने का जश्न मनाना चाहिए। We should celebrate, don't you think so? हाँ तो मिस सूजी, सेलिब्रेशन के लिए आप हमें कहाँ ले चल रही हैं? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इस कमरे से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। यहाँ की सी बीचेस की बहुत तारीफ सुनी है। How about that? ठीक है, अगर यही आपकी मर्जी है तो आज शाम को चलते हैं, तब तक आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू, आई सी यू इन द इवनिंग, बाय। समंदर के किनारे आके वाकई कितना सुकून मिलता है, वरना शहरों में तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों से नजरें टकरा कर ही रह जाती हैं। सुकोवा इज सो ब्यूटीफुल। आप बहुत ही फिलोसॉफिकल इंसान हैं, मिस्टर भारत। जिंदगी भी तो एक फलसफा ही है मिस सूजी, डोंट यू थिंक सो? आई एम रियली वेरी हैप्पी, आपके आते ही इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देता। अंकल बॉल प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। ये अंकल ये क्या, अंकल ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने तो जादू किया था आप लोगों को डराने के लिए, लेकिन आप तो डरे ही नहीं। खेल खत्म, चलो चलो आप अपने घर में जाओ। बाय बाय। मेरे साथ। हेलो हेलो पुलिस, नहीं नहीं मिस्टर भारत, प्लीज लिसन टू मी, मेरे हिसाब से आपको होटल वापस चलना चाहिए। मिस सूजी आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम ये बम धमाकों से डर के अपने आप को होटल के कमरे में कैद कर लें? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपकी जान को खतरा है, can't you see it's so obvious? कोई आपको मारना चाहता है, somebody's out there to kill you. तो आपका ये सजेशन है कि हम शाम की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे चले जाएं, हां श्रीवास्तव? मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप होटल रूम इस वक्त वापस लौट जाएं, इट्स सेफ आउट देयर, और वहां जाकर मैं आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करना चाहती हूँ। व्हाट अ बिग जोक, हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं मिस सूजी, लोगों से सिक्योरिटी लेते नहीं, और आप हमारी सिक्योरिटी की बात कर रही हैं। मिस्टर भारत, आप मुझे मेरी ड्यूटी करने देंगे या नहीं? मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, प्लीज। रिलैक्स मिस सूजी, यू जस्ट ओवर रिएक्टिंग, आप खामखां परेशान हो रही हैं। मेरे ख्याल से आपको एक चीज की सख्त जरूरत है। किस चीज की? एक प्याली गर्मा गर्म चाय की। आइए वहां बैठते हैं। वाओ, व्हाट अ लवली प्लेस। माय गॉड, आई एम सॉरी, आप लोग कुछ खाएंगे? थैंक यू मिस सूजी, मैं तो बस सिर्फ चाय लूंगा। और आप? सबसे पहले आप अपने चेहरे से ये चिंता वाला क्वेश्चन मार्क हटाइए प्लीज। मिस सूजी एक बात तो बताइए, ये आप इतना गहरा क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ अगर मैंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की तो मिस्टर कुमारन बहुत नाराज हो जाएंगे। ओफो, श्रीवास्तव ने, मैं मिस्टर कुमारन को समझा दूंगा मिस सूजी, प्लीज डोंट टेक टेंशन। अरे हाँ, वो अच्छा याद है मुझे, कल सुबह अगर मुझे मेरे होटल में गाड़ी भिजवा दें सुबह 9 बजे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। कहाँ जाएंगे? कहाँ, वो मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, यहीं सुगो में रहता है, पास ही में। थैंक यू। वो एक कंप्यूटर सेंटर खोल रहा है तो उसके इनॉग्रेशन के जाना पड़ेगा मुझे। देखिए मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, जब तक मिस्टर कुमारन वापस नहीं आ जाते आप लोग प्लीज घूमना फिरना बंद कर दीजिए। चाय बहुत टेस्टी है मिस सूजी।
चाय वाकई बहुत टेस्टी है, कहीं आपने अपनी उंगली तो नहीं बीच में? You're too much. Thank you very much. चलिए. Let's move. After you. Thank you. Welcome. से क्या कहूंगी, उन्हें मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिस सूजी। इंस्पेक्टर भारत, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपके रूम के बाहर सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया है, अब आप जहां भी जाएंगे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की परमिशन लेकर जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन मिस सूजी आप, इंस्पेक्टर भारत, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए आप। सी यू लेटर, गुड नाइट। श्रीवास्तव, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अपने कमरे में जाके सो क्यों नहीं रहे? सर, हमें अभी यहाँ आए हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 3 अटैक हमारे ऊपर हो चुके हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, वरना। तुम गलत समझ रहे हो श्रीवास्तव। मतलब? नहीं श्रीवास्तव, हम अपनी किस्मत से नहीं बचे श्रीवास्तव, बल्कि जानबूझकर बचाए गए हैं। जिसने भी हमें मारने की कोशिश की, उसने सिर्फ कोशिश की है, मारा नहीं हमें। सर, सर, मैं अभी भी आपका मतलब नहीं समझा। चलो श्रीवास्तव, हमेशा की तरह मैं तुम्हें समझाता हूं। श्रीवास्तव, अगर वो हमें मारना चाहते थे तो वो हमें पहले ही ब्लास्ट में मारते, पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट में, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, इसके मायने क्या हुए? देखिए सर, ये भी हो सकता है उस बॉम्ब की टाइमिंग गलत हो गई हो। टाइमिंग 3-3 बार गलत नहीं होती श्रीवास्तव, टाइमिंग 1 बार गलत हो सकती है, 2 बार गलत हो सकती है, 3-3 बार ये इत्तेफाक मेरी समझ में नहीं आया श्रीवास्तव। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव की इशारा जो है, ये सिर्फ हमें डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। लेकिन मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि हमें डराने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है। श्रीवास्तव, इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर है, अभी तक मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। ओह माय गॉड, ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं सिरों में कैंडल है भी या नहीं है। श्रीवास्तव, उस टेबल के पहले ड्रॉर में कैंडल और एक माचिस पड़ी, जाकर ले। सर, कहीं कहीं उसने जानबूझ के तो? जाओ श्रीवास्तव, दैट्स एन ऑर्डर, गो गेट द कैंडल एंड द मैच बॉक्स। ओह माय गॉड, ये लाइट को भी इसी वक्त जाना था, क्या होगा सर, तो कुछ ही छूने में भी मुझे डर लगता है। मैंने कहा कैंडल जलाओ श्रीवास्तव, दैट्स एन ऑर्डर। Thank you.
सर कहीं। लाओ ये माचिस मुझे दो। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। श्रीवास्तव तुम एक इंस्पेक्टर हो, इस तरह से छोटी छोटी बातों में डरने लगे तो फिर क्या फायदा इसे जीवन का? ये क्या हो गया तुम्हें श्रीवास्तव? मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने कमरे में जाके आज तुम सो नहीं पाओगे डर के मारे, इसलिए बेहतर यही होगा श्रीवास्तव कि आज तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ। लो ये कैंडल मुझे दो। क्या हुआ साहब? अभी अभी कोई था क्या यहाँ पर? यहाँ? हाँ? यहाँ तो कोई नहीं था साहब, लेकिन मैंने किसी के चलने की आहट सुनी मैंने यहाँ पर। वो मैं ही पानी पीने गया था, शायद आपने मेरे कदमों की आहट सुनी होगी। नहीं नहीं नहीं, वो इन जूतों की आहट नहीं थी, वो आहट दूसरे किस्म की थी, वो जूते कोई और थे। लेकिन याद कोई नहीं आया साहब। ठीक है, कैसी हैं आप? How can you do this? आप बिना इन्फॉर्म किए कहाँ चले गए? ना मुझे बताया, ना सिक्योरिटी चीफ को। रिलैक्स मिस सूजी, रिलैक्स। देखिए हम लोग बिल्कुल सही सलामत हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैंने आपको कल बताया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ वक्त yes. कि हमें एक फ्रेंड के कंप्यूटर सेंटर में जाना है इनॉग्रेशन के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद आप बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। As the beautiful lady says. Thank you. Anyway, मैं आपको ये inform करने आई थी कि Mr. Kumaran कल आ रहे हैं सुगोवा। वो आपसे कल शाम को टी पार्टी में मिलेंगे। टी पार्टी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। आप प्लीज वहां ठीक वक्त पर पहुंच जाइएगा, प्लीज।
शुक्र है सर कि आज का दिन बहुत शांति के साथ गुजर गया। हाँ श्रीवास्तव, कोई अच्छा नहीं हुआ, बड़ी हैरत की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डराने वाले डराते डराते खुद ही थक गए? Yeah. Good evening, Inspector. कौन बोल रहा है? फिलहाल तो तुम मुझे अपना भाग्य विधाता या जीवन दाता भी कह सकते हो। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है इंस्पेक्टर। अपने बाएं पैर पर देखो। ये कंप्यूटर जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक बिच्छू बॉम्ब है इंस्पेक्टर भारत। इसे चलाने वाला रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुम इसे छुओगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और ब्लास्ट के साथ साथ तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। डोंट टच इट। यानी तुम मेरी बात को सीरियसली ले रहे हो? क्या चाहते हो तुम? कल मिनिस्टर कुमारन सुगोवा लौट रहे हैं। कल शाम को ही तुम्हारे सम्मान में चाय पार्टी है। पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ तुम और श्रीवास्तव दो ही ऐसे शख्स होंगे जिनकी एंट्रेंस पर तलाशी नहीं ली जाएगी, समझे? बाकी हर आने जाने वाले की सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग करेंगे। तो अब से कल शाम पार्टी में पहुंचने तक बिच्छू तुम्हारे पैर पर ही चिपका रहेगा। पार्टी के दौरान ही बिच्छू तुम्हारे पैर से उतरकर मिनिस्टर साहब के पैर पर चढ़ जाएगा। उसी के साथ एक धमाका होगा और मिनिस्टर कुमारन की कहानी खत्म हो जाएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना इंस्पेक्टर? 6 महीने पहले तुम ही ने कुमारन की जान बचाई थी, मगर कल शाम उसी की मौत का सामान तुम उसे पहुंचाओगे। हेलो हेलो, ये फोन। श्रीवास्तव, चीफ मिनिस्टर मिस्टर कुमारन की जान खतरे में है श्रीवास्तव। सर तो हमें मिस्टर कुमारन और उनके पर्सनल सिक्योरिटी वालों को इमीडिएट इन्फॉर्म करके कल सुबह की पार्टी कैंसिल करवानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं श्रीवास्तव, 6 महीने पहले जिन लोगों ने मिस्टर कुमारन को मारने की कोशिश की थी, ये वही लोग हैं। पार्टी कैंसिल करके हम खतरा टाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे नो को रंगे हाथों पकड़ना है। आई वॉन्ट टू कैच देम रेड हैंडेड। सर ये बिच्छू, रिलैक्स, इसका भी कोई ना कोई तोड़ है श्रीवास्तव। जस्ट मोमेंट। मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए गंजाल्वेस। तुम 15-20 मिनट में अपने कंप्यूटर सेंटर में पहुंच सकते हो? मैं वहीं पहुंचता हूँ। या थैंक यू गंजाल्वेस, थैंक यू वेरी मच। वेलकम इंस्पेक्टर भारत, वेलकम टू सुगोवा। आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करके मुझे बेहद खुशी पहुंचाई है भारत। थैंक यू मिस्टर। वेलकम मिस्टर श्रीवास्तव। हेलो सर, प्लीज कम दिस साइड। जी कम। थैंक यू। हाय इंस्पेक्टर भारत, प्लीज बैठिए। मिस्टर कुमारन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वहां नहीं यहां बैठना चाहूंगा, इफ डोंट माइंड। ओह, तो आप मेरी खूबसूरत सेक्रेटरी के करीब बैठना चाहते हैं? No problem. Please. Thank you, Mr. Kumar. Please come. आइए श्रीवास्तव जी, बैठिए। Thank you, sir. Please. इंस्पेक्टर भारत, आपके साथ यहाँ जो हादसे हुए उनका मुझे बेहद अफसोस है।
इट वॉज रियली सैड। मैं इसकी जांच स्पेशल कमेटी से करवाऊंगा। रहने दीजिए मिस्टर कुमारन, इसकी मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर भारत, हमारे लिए पता करना बेहद जरूरी है कि ये किसकी करामात थी। वैसे मिस्टर कुमारन, जानना तो मैं भी चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी मिस्टर भारत। यस सर। एक्सक्यूज मी मिस सूजी, श्रीवास्तव जरा मैं। चले क्यों आए? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं मिस सूजी, बस यूं ही। I'm okay. मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि पार्टी से जब मैं उठ के आऊंगा तो मेरे पीछे पीछे कौन आएगा, या सबसे ज्यादा बेचैनी किसे होगी। और देखिए आप मेरे सामने आ गई। मतलब ये मिस सूजी की जो आपके जूतों की आहट, ये जो अभी अभी मैंने सुनी, यही आहट मैंने कल मेरे होटल के कमरे के बाहर सुनी थी। और जब मैं बाहर आया तो गार्ड्स ने मुझे कहा यहां तो कोई नहीं आया था, क्योंकि वो गार्ड्स आपके खरीदे हुए थे। आहट, गार्ड्स, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस नाटक बंद, बस विसुदी, जिस दिन से हम सुगोवा आए हैं आप हमारे साथ हैं साये की तरह। आपको हमारे प्लान्स का पता है, सिर्फ आपको। और जब जब आप हमारे साथ थीं तब तब ब्लास्ट हुआ, जब आप हमारे साथ नहीं थीं तब हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। और उस ब्लास्ट का रिमोट आपके हाथ में था, और कल जो फोन आया वो भी आप ही के किसी आदमी का था। और अब आप मिस्टर कुमारन की हत्या करवाना चाहती हैं मिस सूजी। नो, आपकी असलियत खुल चुकी है। तुम बड़े चालाक, होशियार और शातिर हो, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूं। ग्रेट। लेकिन मेरी असलियत जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही चीफ मिनिस्टर की जान बचा सकते हो, क्योंकि जो बिच्छू तुम्हारे पैर पर अभी भी है उसका रिमोट मेरे पास है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बूम। I'm sorry, Miss Suzy. बूम नहीं Miss Suzy. ये जो बिच्छू मेरे पैरों में है अब ये आपके रिमोट से नहीं मेरे रिमोट से चलेगा, इस रिमोट से। कल मैंने अपने दोस्त के कंप्यूटर सेंटर पे जाके इसका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया मिस सूजी। और मिस सूजी, आपका इकबाले जुर्म इस टेप रिकॉर्डर में दर्ज हो चुका है। योर गेम इज ओवर मिस सूजी। यानी कि आपने बाजी पलट दी। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, अपने दाएं पैर की तरफ देखिए, वहां पर एक और बिच्छू है। हा?
जिसका रिमोट भी मेरे पास है। मैं जानती थी तुम लोग कंप्यूटर सेंटर गए थे रात को। मुझे पूरा शक था तुम लोग कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे, इसलिए मैंने पूरी तैयारी करके रखी थी। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने दोस्त, अपने कंपेनियन की जान बचाना चाहोगे, इसलिए मैं जैसा कह रही हूं वैसा आप करोगे। मिस सूजी, आप आग से खेल रही हैं। आग से खेलना मेरी आदत है। एनीवे, आई डोंट वांट वेस्ट टाइम, क्योंकि सुगोवा के आफ्टरनून पेपर में हेडलाइंस छपवानी है, मार्कस कुमारन की मौत। अरे भारत, आप कहाँ चले गए थे? सर, इन्हें मैं अपना कॉन्फ्रेंस रूम दिखाने ले गई थी। ओ, आइए मैं सबसे आपका परिचय करवा देता हूँ। प्लीज कम। जी आइए। प्लीज बी सीटेड मिस्टर भारत। थैंक यू सर। बैठिए। फ्रेंड्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपने अजीज दोस्त मुंबई क्राइम ब्रांच के जांबाज इंस्पेक्टर भारत से परिचित करवाना चाहता हूं। प्लीज बी सीटेड। नमस्कार। दोस्तों, आज से करीब 6 महीने पहले इंस्पेक्टर भारत ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी। बिच्छू अपने पैर से निकालकर मिस्टर कुमारन के पैर पर ट्रांसफर कर दो। क्विक। मेरी ये नई जिंदगी इंस्पेक्टर भारत की देन है। के मुताबिक श्रीवास्तव के पैर से वो बिच्छू हटाओगी तुम। ऑलराइट।
रिमोट मुझे दो। पहले तुम अपना रिमोट मुझे दो। थैंक यू एंड गुड बाय। गॉड, ये क्या हुआ है? कौन था ये? सूजी मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमारन, आपकी पीए मिस सूजी को आग से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि आग जलाती भी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर कुमारन। 6 महीने पहले बंबई में जो आप पे जानलेवा हमला हुआ था, आप जानते हैं वो किसने करवाया था? आपकी ये सेक्रेटरी मिस सूजी ने। व्हाट? जी हां, और आज भी वो आपकी जान लेना चाहती थी, आपकी। ओह माय गॉड। इस रिमोट बॉम्ब से आपको मारना चाहती थी, और इस काम के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे मुझे पता चल गया, मैं आपकी जान बचाने में कामयाब हो गया। एंड यू आर सेव्ड। इट इज अनबिलीवेबल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भारत। यू मोस्ट वेलकम मिस्टर कुमार। देखिए कुदरत का खेल मिस्टर कुमारन, जो चिता उसने दूसरे के लिए तैयार की थी उसमें खुद जल के भस्म हो गई वो। इसलिए वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।